डिजिटल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि एक बयान ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की किरकिरी कैसी कराई है। विस्तार से हम आपको दिखाएंगे यहां तक कि भारत को कितना नुकसान हो रहा है। मुस्लिम मुलामालिक जितने भी मुस्लिम देश हैं उन लोगों ने भारत से बने सामान पर बहिष्कार किया है, खरीद फरोख्त बंद कर दी और जो सामान मुस्लिम देशों में रखा है दुकानों के ऊपर उस सामान के ऊपर किस तरीके से पोलोथीन से उसको ढक दिया ये देखिए, और उसके ऊपर मार्का लगा दिया, लिख कर लगा दिया है कि ये इंडिया का सामान है, कोई नहीं खरीदेगा। इस सब की वजह एक बयान ने, ये देखिए, इस बयान ने पूरे दुनिया में आग लगा दी। यहां तक कि भारत में भी जोर शोर से मुस्लिम समुदाय में रोष, लेकिन विस्तार से हम आपको दिखाएंगे भी कि मुस्लिम मुमालिक जो मुस्लिम देश है उन सब ने एक राय होकर किस तरीके से कड़ा रुख अपनाया है। और इस समय मुस्लिम देशों में जो बयान दिया है, बेहुर्मती का बयान, उस बयान को लेकर कितना गुस्सा है मुस्लिम देशों में और क्या कुछ होने वाला है और क्या क्या आदेश करे गए हैं और क्या क्या कानून बनाए गए हैं, विस्तार से हम आपको नजारा दिखाते हैं कि आखिरकार नुपुर शर्मा के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो एक रुसवाई हुई है भारत की, उसकी भरपाई मुश्किल है होना, और आखिरकार किस तरीके से निंदा हो रही है उस बयान की, कितने गुस्से में है मुस्लिम मुल्क, हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। भारतीय गुस्ताखी के नतीजे में अरब दुनिया खुलकर सामने आ गई है। इससे पहले भी कई एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक्दस में गुस्ताखियां की जाती रही हैं, लेकिन अरब दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहती थी। बस हल्का सा कोई बयान दिया और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन इस बार जब भारत की नूपुर शर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक्दस और हजरत अम्मा आयशा की शान में नाजेबा कलमात कहे तो सारा अरब सरापा एहतजाज बन गया और इसने भारतीयों को मुल्क से निकालने के लिए भी अहकामात जारी कर दिए, बल्कि भारतीय प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट कर दिया गया। अब टीवी चैनल पर भी भारत के खिलाफ महाजराई शुरू की जा चुकी है और भारत को मजबूर किया जा रहा है कि ना सिर्फ वो मुसलमानों से मुआफी मांगे बल्कि नूपुर शर्मा को करार वाकई सजा भी दी जाए। अब क्या तुर्की, क्या ईरान और क्या कतर सभी एक पेज पर आ चुके हैं और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में अरब ममालिक ने वो काम कर दिया है कि भारत पर गोया लानतें डालनी शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त अरब के तमाम एंकर और न्यूज़कास्टर और यूट्यूबर एक पेज पर आ चुके हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि ना सिर्फ मोदी सरकार मुआफी मांगे बल्कि नूपुर शर्मा को भी करार वाकई सजा दी जाए, जो कि मोदी और बीजेपी की तर्जुमान है, वरना आलम इस्लाम मोदी के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा और इसका बायकॉट किया जाएगा। इस दफा अरब ने अपनी मोहब्बत का इस तरह इजहार किया है जो इससे पहले देखने में नहीं मिलता था। क्या दुकानें, क्या मार्केटें, क्या प्लाजे, सब ने बड़े बड़े बैनर्स लगाकर भारतीय प्रोडक्शन पर पॉलीथेन की चादर चढ़ा दी है और ऊपर लिख दिया गया है कि ये भारतीय अशिया है, इनको खरीदना मना है। इसलिए कि भारत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की है जो कि काबिले बर्दाश्त नहीं है। नाज़रीन, अरब ममालिक ने भारत के खिलाफ जो एक्शन लिया है इसमें कुवैत का सबसे बड़ा किरदार सामने आया है और उम्मते मुस्लिमा पर इसका शुक्रिया अदा करना जरूरी है। कुवैत ने जो कमाल दिखाया है इसने उम्मते मुस्लिमा के दिल जीत लिए हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ कतर ने बल्कि सऊदी अरब ने, यहाँ तक कि ईरान ने भी भारत के खिलाफ एहतजाज किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो अब तक खामोश था इसको भी ख्याल आ गया और बिलावल ने भी सोचा कि चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं और पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलों से मट्टी हटा लूं। नाज़रीन, इम्पोर्टर हुकूमत को तौफीक ही नहीं हुई कि भारत के खिलाफ बात कर सके और एहतजाज कर सके, इसलिए कि इस हुकूमत का आका तो अमेरिका है और इसका खलीफा भारत है, तो किस तरह हो सकता है कि आका के खलीफा के खिलाफ कोई बात कर सके। इसलिए ये हुकूमत सत्तू पीकर सोई हुई है। हालांकि सबसे पहले कप्तान ने और सदर ममलिकत आरफ अलवी ने भारत के खिलाफ बयान दिया। अरब ममालिक अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिर्फ बायकॉट करने से काम नहीं चलेगा बल्कि भारत पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया जा रहा है और इसके साथ ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि सब भारतीयों को अरब ममालिक से निकाला जाए ताकि मोदी के होश ठिकाने आए। अब अगर ये सब हो जाता है
तो भारतीय मईशत तबाह हो सकती है और इसका जर मुबादला भी खत्म हो सकता है, इसलिए कि बैरून मुल्क भारतीय अच्छी खासी रकम भारत में भिजवाते हैं। दूसरी तरफ अक्सर भारतीय जो मुसलमानों के साथ रहते हैं और बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी ने ये काम करवाया है, मोदी ही मुआफ़ी मांगे, हम तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इस तरह भारतीय बाशिंदे गो के मुसलमान ना भी हो और बैरूने मुल्क रहते हैं तो मुसलमानों के साथ भाईचारे की फिजा में रहते हैं, अब उनके खिलाफ भी मुसलमानों में नफरत की फिजा बना दी गई है और कोई भी मुसलमान किसी हिंदू से मिलना या बात करना पसंद नहीं करेगा और ये एक ऐसी खतरनाक गेम है जो मोदी को ले डूबेगी। अगर मोदी ने अपना दिमाग दुरुस्त ना किया तो इसके सर बला ऐसी पड़ेगी कि इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब इस इंतहा पसंदी की वजह से वो भारतीय भी परेशान हो चुके हैं जो मुसलमानों के साथ रह रहे हैं। ये लोग अब भारत के इस तबके के खिलाफ हो गए हैं जो कि इंतहा पसंद तबका है और इस वक्त दो ग्रोह बन चुके हैं और हिंदुओं के अंदर ही ग्रोहों की तकसीम शुरू हो चुकी है। एक वो जो मुसलमानों के साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं और दूसरे वो जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दे रहे हैं। नाज़िरामी, अब अरब ममालक में आवाम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं कि इनको यहाँ से निकाला जाए, जिस पर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि ये करतूत तो मोदी के हैं और वही मुआफ़ी मांगे, हम क्यों मुआफ़ी मांगे। और बात भी दुरुस्त है, जो गलती करता है मुआफ़ी भी वही मांगता है। राहुल ने कहा है कि आम भारतीय बाशिंदों का कोई कसूर नहीं है, हम भी भारतीय हैं, हम तो किसी मजहब के रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं करते। इस तरह और भी बहुत से हिंदू हैं जो गुस्ताखी के बारे में सोच भी नहीं सकते। राहुल गांधी की इस पॉलिसी की वजह से ही कांग्रेस को बहुत से मुसलमानों की सपोर्ट रही है और इसका वोट बैंक मुसलमानों की वजह से बढ़ा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।